नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी तलाश में हो एक परफेक्ट गेमिंग माउस की जो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करके आपको सेटिस्फैक्शन दे और वो भी सिर्फ 1000 रुपीज़ के बजट में रहते हुए? तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो देख रहे हो। आज आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा 10 बेस्ट गेमिंग माउस अंडर 1000 रुपीज़ जो एक्सपेंसिव माउस को भी टफ कॉम्पिटिशन देंगे। और आप ही की सुविधा के लिए सारे माउस के लिंक आपको सब्सक्राइब बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट टू द बिजनेस। नंबर 10, HP M270 गेमिंग माउस। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि मुझे HP ब्रांड के बारे में आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी रेप्यूटेड ब्रांड है। इस माउस की अगर हम बात करें तो HP की तरफ से ये कोशिश है कि एंट्री लेवल बजट सेगमेंट में रहते हुए एक अच्छा माउस आपको ऑफर करे। इस माउस में आपको हाई एंड ऑप्टिकल सेंसर्स विद 3000 DPI का टेक्नोलॉजी मिलेगा। जिन लोगों को नहीं पता कि DPI क्या चीज़ है, तो उनके लिए बताना चाहूँगा। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, जिसमें आपका माउस एक इंच के स्क्वायर में कितने डॉट्स काउंट कर सकता है उसका काउंट दिया होता है। अब HP के इस माउस में आपको 3200 का DPI सपोर्ट मिलता है, जिसका मतलब ये है कि ये माउस 1 इंच के स्क्वायर में 3200 डॉट्स को डिटेक्ट कर सकता है। इस माउस के साथ आपको नॉन स्लिप डिज़ाइन देखने मिलती है, जिसका आपका हाथ जो है माउस से फिसलेगा नहीं और आपको ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलेगी। साथ ही में आपको इसमें मेटल स्क्रोल देखने मिलता है, जो कि गेमिंग वाइब थोड़ी बहुत आपको प्रोवाइड कराता है। इसमें आपको 7 कीज़ मिलते हैं जो कि फुल्ली प्रोग्रामेबल है। आप हर की को अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए सेट कर सकते हो। अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो ये माउस सिर्फ 129 ग्राम्स का है। आप कह सकते हो कि ये काफ़ी लाइट वेट माउस है, प्लस ये काफ़ी कंफर्टेबल है। जब भी आप इस पर काम करोगे या फिर घंटों तक गेम खेलोगे, आपको इससे कोई शिकायत नहीं होने वाली। और अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलता आपके माउस के RGB कंट्रोल करने के लिए। ये माउस आपको मिलेगा 699 रुपीज़ के अंदर। नंबर 9, ड्रैगन वॉर ELE G11 एनेरा। ड्रैगन वॉर ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि खास गेमिंग एक्सेसरीज प्रोड्यूस करता है। अगर हम इस माउस की बात करें तो प्राइसिंग के हिसाब से ये माउस बेस्ट लुकिंग माउस है हमारे पूरे लिस्ट में, क्योंकि इसकी प्राइसिंग सिर्फ 409 रुपये है, तब भी आपको इसमें लुक काफ़ी अच्छे देखने मिलते हैं। साथ ही में आपको इसमें 6 प्रोग्रामेबल कीज़ देखने मिलेंगी विथ गेमिंग सेंसर ऑफ 3200 DPI। प्रोज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको गोल्ड प्लेटेड USB 2.0 का सपोर्ट देखने मिलता है, जिससे आपके माउस की लेटेंसी कम हो जाती है। लेटेंसी का अगर जिन लोगों को नहीं पता, तो लेटेंसी क्या होती है, आपका माउस हर सेकेंड में अपनी पोजिशन कंप्यूटर को बताते रहता है। अगर गोल्ड प्लेटेड USB कनेक्टर का यूज़ आपका माउस कर रहा है तो वो पोजिशन अपने कंप्यूटर तक ज़्यादा जल्दी पहुँचेगी। सेकेंड, इसमें LED इल्यूमिनेशन भी आता है। एंड थर्ड, इसकी बिल्ड क्वालिटी प्राइसिंग के हिसाब से बहुत सही है। और अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो इसका जो DPI सेट का बटन है ना, जस्ट बिहाइंड द व्हील्स, वो थोड़ा स्टिफ है। आपको लगेगा कि आप उसे प्रेस करते समय वो प्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 409 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। नंबर 9, रे ड्रैगन गेनर M610। दोस्तों, रे ड्रैगन ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड बना ही गेमर लोगों के लिए है। ये ब्रांड गेमर लोगों के लिए ही एक्सेसरीज और पेरिफेरल्स जो है वो इन्वेंट करते रहता है। इस माउस में आपको 4 कलर RGB बैकलाइट मिलेगा, जो कि एक गेमिंग वाइब आपको प्रोवाइड कराता है। इसमें आपको गेमिंग सेंसर भी मिलेगा 3200 DPI वाला विथ 6 प्रोग्रामेबल्स बटन, जिसे आप कम्प्लीटली प्रोग्राम कर सकते हो। अगर मैं इसके प्रोज की बात करूँ तो ये माउस काफ़ी प्रीमियम फील होता है। इसका फिनिशिंग जो है ना, वो वाकई में हाथ में जब आप इसे मूव करोगे, जब आप इसे होल्ड करोगे, इट विल फील वेरी प्रीमियम। और अगर मैं एडिशनल फीचर्स की बात करूँ तो इसमें थंब रेस्ट भी आता है, जो मदद करता है आपकी फास्ट मूवमेंट के लिए। और ज़्यादा देर तक अगर आप गेम खेलते हो तो आपके हाथों में तकलीफ भी नहीं होने वाली। साथ ही में आपको इसमें एंटी स्लिप टेक्सचर देखने मिलता है, जो गेमिंग की काफ़ी वाइब्स आपको देता है। कॉन्स की अगर मैं बात करूँ, ये माउस थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर आपके हाथ थोड़े छोटे हैं तो हो सकता है कि ये माउस आपको होल्ड करने में थोड़ा सा बड़ा लगे। और वही इसके अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये माउस आपको अवेलेबल हो जाएगा 849 रुपीज़ में। नंबर 7, एंट ई स्पोर्ट GM320। एंट ई स्पोर्ट ये काफ़ी फेमस ब्रांड है गेमर लोगों के बीच में, क्योंकि ये गेमिंग पेरिफेरल्स बनाता है।
इस माउस में आपको 7200 DPI रेजोल्यूशन देखने मिलता है विथ एडजस्टेबल पोलिंग रेट बिटवीन 500 टू 1000 हर्ट्स। थोड़ी सी ज्ञान की बात बताता हूँ, पोलिंग रेट जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए, माउस के लिए पोलिंग रेट वो होता है माउस अपनी पोजीशन एक सेकेंड में कंप्यूटर को कितनी बार रिपोर्ट करता है उसी को पोलिंग रेट कहते हैं और इसे हर्ट्स में गिना जाता है। एग्जाम्पल, जिस माउस का पोलिंग रेट 500 हर्ट्स है तो वो माउस अपनी पोजीशन हर सेकेंड में 500 टाइम्स कंप्यूटर को अपडेट करेगा। तो जितना ज़्यादा पोलिंग रेट होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपको आपके गेम में मिलती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है तो आपको होल्ड करते समय डेफिनेटली ये फील होगा। अगर मैं इसके प्रोज की बात करूँ तो इसमें आपको 8 प्रोग्रामेबल बटन मिलते हैं विद स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर कंट्रोलिंग RGB लाइट्स। ये माउस काफ़ी स्टर्डी है और इसके बटन एक अच्छा फीडबैक आपको देते हैं जब भी आप इसे क्लिक कर रहे होंगे तो। और वही अगर मैं इसके कॉन की बात करूँ तो इसका DPI सेटिंग सेव नहीं होता हर टाइम, जब भी आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करोगे तो आपको DPI सेटिंग फिर से एडजस्ट करने पड़ेंगे। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये अभी फ़िलहाल 1000 रुपीज़ के ऊपर चला गया है, अभी ये मिल रहा है 1051 रुपीज़ में, बट नॉर्मली ये मिल जाता है 849 या फिर 899 रुपीज़ के अंदर। नंबर 6, ड्रैगन वॉर ELE G9 थॉर। ड्रैगन वॉर के बारे में जैसे मैंने आपको पिछले माउस में बताया कि ये गेमिंग ब्रांड है जो कि गेमिंग पेरिफेरल्स बनाता है, इस माउस में आपको ब्रेडेड केबल देखने मिलता है जो कि सेफ्टी के मामले में ब्रेडेड केबल काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसमें गेमिंग सेंसर भी आता है जो कि 3200 के DPI रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है विथ 4 कलर एम्बियंस फॉर गेमिंग वाइब्स। आपको इसमें कस्टम सॉफ्टवेयर भी देखने मिल जाएगा जिसे आप सारे बटन्स और लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो ये माउस होल्ड करने में सुपर कंफर्टेबल है, इसकी डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है। मुझे पता नहीं कि रे ड्रैगन कौन से डिज़ाइनर को हायर करते हैं बट इनके माउस दिखने में काफ़ी प्यारे दिखते हैं। प्लस लॉन्ग लास्टिंग बिल्ड क्वालिटी जो कि डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है इस माउस की। अगर मैं इसके कॉन की बात करूँ तो ये माउस 518 ग्राम्स का है, मतलब आधा किलो का माउस है, तो हाँ ये डेफिनेटली हेवी है। इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये माउस आपको अवेलेबल हो जाता है 1039 रुपीज़ में, बट सेल टाइम में ये बिलो 1000 रुपीज़ में मिल जाता है। दोस्तों आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो दैट मीन्स आप इसे एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। या फिर आपको कुछ सजेशन देना है मेरे लिए या फिर इस चैनल के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली लुक फॉर इट। तो चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पे हमारा इंडियन ब्रांड का माउस आता है और ये है ज़ेब्रोनिक ज़ेब ट्रांसफॉर्मर M एडिशन माउस। दोस्तों ज़ेब्रोनिक्स जो ब्रांड है ना ये कम्प्लीटली एक इंडियन ब्रांड है, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचता है। इस माउस को देखते ही आपको बम्बल बी की याद आ जाएगी ट्रांसफॉर्मर्स में, कि इस माउस को हूबहू उसी से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इसमें आपको 7 कलर के लाइट इफेक्ट देखने मिलते हैं विथ 6 प्रोग्रामेबल बटन्स। अगर मैं इसके प्रोज की बात करूँ तो इसमें रबराइज टेक्सचर मिलता है बॉटम में जो कि काफ़ी अच्छा ग्लाइडिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराता है। इस माउस में ब्रेडेड केबल का यूज़ किया गया है जिसकी मदद से सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाती है ओवरऑल माउस की, और इसका जो टैक्टाइल फीडबैक है ना वो बहुत ही सेटिस्फाइंग है, वन ऑफ द बेस्ट टैक्टाइल फीडबैक मुझे मिला है इस माउस में। और वही अगर मैं इसकी कॉन्स की बात करूँ तो इस माउस को यूज़ करने के लिए माउस पैड कंपलसरी लगेगा क्योंकि इसमें रबराइज टेक्सचर आता है। प्राइसिंग की बात करें तो ये माउस आपको 549 रुपीज़ में मिल जाएगा जो कि वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है। नंबर 4, कॉस्मिक बाइट हाइड्रा। दोस्तों ये भी एक इंडियन कंपनी है जिसका लोकेशन पुणे में ही है और आपको ये गेमिंग एक्सेसरीज प्रोवाइड कराती है। इस माउस में आपको एंटी स्लिप और एंटी स्वेट टेक्सचर देखने मिलता है जिससे आप अपने माउस को काफ़ी देर तक काम भी करते हो तो आपको स्लिप नहीं होगा आपके हाथों से। इसमें आपको प्रॉपर RGB लाइटिंग मिलती है विथ 8 प्रोग्रामेबल बटन्स। अगर मैं इसके प्रोज की बात करूँ तो ये काफ़ी मिनिमल और क्लीन डिज़ाइन अप्रोच के साथ बनाया गया है। इसे ज़्यादातर वो लोग प्रेफर करते हैं जो कैजुअल गेमर्स हैं और जिन्हें बिजनेस में भी माउस को यूज़ करना होता है, तो उनके लिए ये माउस काफ़ी सही है। प्लस इसमें सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिलता है, आप अपने RGB लाइटिंग और बाकी के सारे सेटिंग्स उस सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। कॉन्स की अगर हम बात करें तो इसका सेंसर एज कम्पेयर टू बाकी माउस थोड़ा सा एवरेज मुझे लगा। इसकी प्राइस है 949 रुपीज़ ओनली। नंबर 3,
Lenovo IdeaPad M100। दोस्तों Lenovo इस ब्रांड को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी फेमस ब्रांड है इंडिया में। इनफैक्ट ये इंडिया का वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है आफ्टर डेल। बात करें अगर हम इस माउस की, तो इस माउस में आपको गेमिंग सेंसर मिलता है 3200 DPI रेजोल्यूशन वाला विथ 7 प्रोग्रामेबल बटन्स। इस माउस में आपको 2-zone RGB लाइटिंग देखने मिलती है, जो कि डेफिनेटली गेमिंग वाइब्स प्रोवाइड कराता है। अगर मैं प्रोज की बात करूं, तो ये माउस भी मिनिमल डिज़ाइन के साथ आपको देखने मिलेगा। ये काफ़ी लाइटवेट फॉर्म फैक्टर के साथ आता है, तो हाँ, आपको इसे कैरी करने में या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के साथ यूज़ करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। प्लस इसमें 1.8 मीटर की PVC USB केबल आती है, जो कि अगेन प्लस पॉइंट है इस माउस की। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, तो इसमें कोई कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको नहीं मिलता। जो भी सारे सेटिंग है एक्सेप्ट फॉर द DPI आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलेंगे, आप उसमें कुछ कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। प्राइस की अगर हम बात करें, तो ये माउस आपको बिलो 900 रुपीज़ में आज के डेट में अमेजोन में मिल जाता है। नंबर 2 पे जो माउस है ना दोस्तों, ये माउस मेरा पर्सनल फेवरेट है। इस माउस में पूरी कैपेबिलिटी थी कि इस लिस्ट को ये टॉप कर सकता था, लेकिन रिसेंटली इसकी प्राइसिंग 300 रुपीज़ से बढ़ गई है, तो इसीलिए इसे मैंने नंबर 2 के स्पॉट पर रखा है। इसका नाम है जेब्रोनिक फोबोस गेमिंग माउस। इस माउस में अच्छे क्वालिटी के गेमिंग सेंसर का यूज़ किया गया है, जो कि 4000 DPI के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। इस माउस में आपको प्रॉपर RGB लाइटिंग देखने मिलेगी। इस माउस के RGB मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगी। साथ ही में आपको इसमें 8 प्रोग्रामेबल बटन्स भी देखने मिलेंगे, जिसे आप सॉफ्टवेयर की मदद से फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। अगर हम इसके प्रोज की बात करें, तो इसमें एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन देखने मिलेगा। आप इसकी लिटरली हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो विद दैट सॉफ्टवेयर। ये माउस होल्ड करने में अल्ट्रा कंफर्टेबल है, प्लस इसमें गोल्ड प्लेटेड USB कनेक्टर भी आती है। इसके साइड में टेक्सचर्ड ग्रिप आपको देखने मिल जाती है, जिसकी मदद से होल्ड करते समय आपको बिल्कुल भी स्ट्रेन फील नहीं होगा हाथों में। अगर कॉन्स की बात करें, तो इस माउस में कस्टम DPI सेटिंग आप नहीं कर सकते, आपको DPI सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट देखने मिलेगी, जो कि 800, 1000, 2000, 3000 एंड 4000 DPI पे ऑटोमेटिकली सेट होती रहती है। आप इसे इसी में से कस्टमाइज कर सकते हो, इसके अलावा आपको और कोई ऑप्शन देखने नहीं मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें, तो अभी के लिए ये अमेजोन पे मिल रहा है 1400 रुपीज़ में, लेकिन ये इसी महीने में बढ़ी है प्राइस। लास्ट मंथ में इसकी प्राइस 949 रुपीज़ थी। एंड नंबर 1, LifeTech प्रोफेशनल गेम ऑन माउस। LifeTech ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड वैल्यू फॉर मनी प्रीपोजिशन पर ही काम करता है। आपको उसका एग्जांपल अभी इसी माउस में मिल जाएगा। इस माउस में 6 प्रोग्रामेबल बटन्स आपको देखने मिलते हैं विथ एक्सीलेंट गेमिंग सेंसर, जो कि 8000 DPI तक सपोर्ट करता है। इसकी अगर मैं प्रोज की बात करूँ, तो इसमें आपको एडजस्टेबल पोलिंग रेट देखने मिलता है, मतलब आप अपनी पोलिंग रेट गेम के हिसाब से चेंज कर सकते हो बिटवीन 500 to 1000। सेकेंड, इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का बॉटम देखने मिलता है, जो कि इसे प्रीमियम लुक प्रोवाइड कराता है। एंड थर्ड, इसका डिज़ाइन काफ़ी स्लीक और मॉडर्न रखा गया है, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल को भी ये माउस अट्रैक्ट करता है। और वही अगर हम इसकी कॉन की बात करें, तो मुझे लगता है कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में इस ब्रांड को और थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बाकी माउस काफ़ी बढ़िया है, और इसकी प्राइसिंग है 995 रुपीज़ ओनली। तो दोस्तों, ये थे वो 10 बेस्ट माउस फॉर गेमिंग अंडर 1000 रुपीज़। आप इनमें से लिटरली कोई भी चूज़ कर सकते हो आपके बजट के हिसाब से, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना। और आपने यहाँ तक देखा है, तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। आप मुझे बता भी सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो, मैं उस पर भी काम करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय।